देखिए आप शुगर के पेशेंट हैं, इसीलिए मैंने आपको रोक लिया। देखिए क्यों भाई, काहे दिन दिन भर बैनर और झंडा लेके घूमते रहते हो? अरे कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? अरे चार पैसे कमा के लाओगे तो घर चलाने में मदद मिलेगी। पिछले 5 सालों से काम धंधा ही तो ढूंढ रहे हैं पिताजी। कहा था कि नौकरी देंगे, फिर पूछा तो बोला कि पकौड़े का ठेला लगा दो। एक पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए वो भी करके देखा ना हमने। फिर शुरू हो गया, देख रहे हैं आप। बाजार में अगर हर व्यक्ति समोसा पकौड़ा और ढोकला बेचने लगे तो बस हो गया, फिर क्या होता है देख लिया ना हमने। पापा जी, मामा जी, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। चलिए पांडे जी, आप भी खाना खा लीजिए, शायद आपके घर वाले शाम को देर से आए। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। आइए। क्यों, क्या हुआ? मामी जी कहीं गई हैं क्या? मामा जी मैंने पूछा, सब ठीक तो है? वो क्या है ना बेटा, इनका जो साला है ना कानपुर में रहता है, उसका बाईपास सर्जरी चल रहा है यहीं लखनऊ में, भाभी जी वहीं गई है और मैंने इनको रोक लिया क्योंकि शुगर के पेशेंट है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, और अस्पताल जाके करते भी क्या। इनके 3 बच्चे हैं ना, छोटे छोटे। हाँ बेटे, क्या बताएं, उनकी बड़ी बेटी 7 साल की है। अरे कहीं आप नीरज भैया की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, नीरज की ही सर्जरी हो रही है, तुम जानते हो नीरज? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। वैसे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास हो रहा है नीरज भैया का ऑपरेशन। वैसे तो आप जानते हैं कि अपने राज्य के सरकारी अस्पतालों में होता क्या है, डॉक्टर है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं। अस्पताल के बारे में तो पूछो ही मत, अस्पताल की स्थिति बहुत गंभीर है। लोग अस्पताल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग अस्पताल के लिए आवाज नहीं उठा रहे, रैली नहीं निकाल रहे हैं। वो किसके लिए निकाल रहे हैं? घुसपैठियों के लिए। अगर भारत में नागरिकता का कानून लागू हो रहा है तो अच्छा है ना, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, इतनी सी बात समझ नहीं सकते हैं वो? सही कह रहे हैं ना शुक्ला जी। अब क्या बताएं, आजकल के लड़कों को कैसे समझाएं? सही कहते हैं आप, आजकल के लड़कों को कौन समझाएं? अब तक तो देश में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब से नागरिकता कानून आया है पता नहीं सबको क्या हो गया है। 60 सालों में जो नहीं बोल रहा था वो सब अब बोल रहे हैं। मुझे लगता है सब पागल है, है ना मामा जी? इनका ये मतलब नहीं था कहने का। अच्छा फिर क्या मतलब है पिताजी? इनका कहने का मतलब था कि जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तान से लोग घुसपैठिए यहाँ आ गए, उनको देश से बाहर कैसे निकाला जाए। बात तो सही है मामा जी, सारा देश यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं, मगर इन घुसपैठियों की पहचान करोगे कैसे ये तो बताओ। अरे बिल्कुल आसान है, जिनके पास भारत के नागरिक होने का दस्तावेज नहीं है इसका मतलब विदेशी है। तुम तो ऐसे घूर रहे हो लगता है कि तुम्हारे पास भारत के नागरिक होने का दस्तावेज है ही नहीं। सबूत है मामा जी। तो फिर? अरे हम क्यों दे सबूत? अरे देश को घुसपैठियों से बचाना है तो सबूत तो देना ही होगा ना। अरे कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण भैया ऐसे खाना अधूरा मत छोड़िए। ऐसी बातें सुन के तो मुझसे खाना खाया नहीं जाएगा। अरे लेकिन ऐसा क्या बोल दिया पांडे जी ने? एक तो उनको मालूम नहीं है कि नागरिकता का कानून क्या है और नागरिकता के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगते हैं, और तब से बोले जा रहे हैं मामा जी सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड नहीं चाहिए। 1970 के पहले आप और आपके पूर्वज भारतीय थे, ये भी साबित करना होगा आपको मामा जी। अरे भाई कर देंगे ना साबित, अरे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से दस्तावेज निकलवा देंगे, हमारे पिताजी के नाम की जमीन है, हमारे पूर्वज भारत के ही है, वो भी साबित हो जाएगा। आपको मिली थी दादाजी की जमीन? हाँ, आपका नाम सुभाष शुक्ला, दादाजी का नाम जयप्रकाश शुक्ला, लेकिन जमीन के कागजात पर लिखा है जय शुक्ला, और कोर्ट के मुताबिक जय शुक्ला और जयप्रकाश शुक्ला 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, जबकि पूरा गांव जानता है कि जयप्रकाश शुक्ला और जय शुक्ला एक ही व्यक्ति हैं, और आप ही तो यही बात कई सालों से कोर्ट में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों भारतीय ऐसे हैं मामा जी जिनके पुराने रिकॉर्ड्स में नाम टाइपिंग मिस्टेक्स या अफसरों की लापरवाही की वजह से गलत दर्ज हुए हैं। अब आप ही बताइए मामा जी कि मरे हुए पूर्वजों के साथ कैसे रिश्ता साबित करेंगे आप, और तो और बेरोजगारी की मार झेल रही जनता के पास ये सब करने के लिए पैसा और समय कहां से आएगा?
रोजगार की तलाश में अपना समय डालेंगे या कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये सब करेंगे? ये तो बात हुई उन लोगों की मामा जी जिनके पास जमीन है या थी। उन गरीबों का क्या जिनके पास ना तो घर था ना जमीन थी? अच्छा यही नहीं, अब बताइए कि उन लोगों का क्या जिनके पूर्वजों के दस्तावेज सैलाब में बह गए, और उन लोगों का क्या मामा जी जिनके दस्तावेज दंगों में उनके घर के साथ जल गए, और उन लोगों के दस्तावेज का क्या मामा जी जो 40-50 साल पहले अपने ही देश में रोजी रोटी के कारण 1000-2000 किलोमीटर दूर बंबई, पूना, बेंगलोर वहां जाके बस गए? बेटा कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा, अब ये नए कानून का विरोध करने से क्या फायदा मिलेगा? मामा जी CAA के आधार पर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी इन सबको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। वो अजमल कसाब और उसके साथी बिना किसी कागजात के देश में घुस आए थे और कोहराम मचा दिया था, अब तो दे रहे ना नागरिकता उन विदेशियों को। कोई आतंकवादी या जासूस वहां का प्रताड़ित अल्पसंख्यक बनकर आ गया तो सोचो मामा जी क्या कोहराम मचाएगा वो। अरे लक्ष्मण घर पे हो क्या? हाँ जमील अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। कुछ गलत होता देख अहिंसा के तरीके से उसका विरोध करना हमारा कानूनी अधिकार है मामा जी। और रहा सवाल इसका कि ये जो आप कह रहे हैं ना कुछ निकल जाएगा, ऐसी हवा में बातें मत कीजिए आप, ऐसे देश नहीं चला जाता। कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप जानते हैं क्या रास्ता निकल आएगा? जिनके पास कागजात नहीं होगा वो विदेशी ठहराए जाएंगे, और CAA के आधार पर जो नॉन मुस्लिम होंगे ना उन्हें शरणार्थी मानकर दे दिया जाएगा यहाँ का नागरिकता, और जो बचे हुए लोग होंगे यानी कि मुसलमान उन्हें भेज दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर। ये तुम किस आधार से कह रहे हो? नए कानून के आधार पर उसके हर संभव साइड इफेक्ट्स बतला रहे मामा जी। हम CAA और NRC के खिलाफ नहीं है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स और उसके अंदर मौजूद भेदभाव के विरुद्ध है। फिर इन घुसपैठियों को निकालेंगे कैसे? इसके लिए सोच विचार करके और देश के सभी समुदायों के साथ बात करके नया कानून बनाना चाहिए था। अरे लेकिन ये सोच विचार के ही तो बनाया है ये कानून। सोच विचार करके बनाया ये कानून, तो फिर बताइए जो सवाल हमने उठाया है उसका जवाब है आपके पास? ये है जमील, हमारा पड़ोसी। मेरा इसके साथ बिल्कुल नहीं बनता था, लेकिन जहां देश की बात आती है वहां हम साथ खड़े होते हैं। इसका पूरा नाम है मोहम्मद जमील जैन, जैन मोहम्मद इसके पिताजी का नाम, और इसके पिताजी के डॉक्यूमेंट्स पे नाम है जैन शमी। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसे साबित करेगा कि जैन शमी और मोहम्मद जैन एक ही व्यक्ति है? 20 साल हो गए अंकल को गुजरे, 4 साल का था ये, इसी चौकट से हम दोनों ने अंकल का जनाजा गुजरते हुए देखा था, यही बगल के कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं वो। अंकल के जाने के बाद अब ये कैसे साबित करेगा, कहां से लाएगा वो कागज पत्तर? अरे इनके पास कागजात नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ही क्या? बस यही प्रॉब्लम है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि अपने हाथ में क्या है? जब मेरी इसके साथ नहीं बनती थी ना तब मैं भी यही सोचता था, लेकिन आपको पता है कि हम दोनों साथ क्यों है? क्योंकि मेरे बड़े भाई शहीद राम प्रसाद शुक्ला और इसके बड़े भाई शहीद मोहम्मद अशफाक जैन दोनों ने साथ साथ जान दी थी, और वो भी देश को घुसपैठियों से बचाने के लिए। जैसे इस घर में एक शहीद की विधवा रहती है ना, उसी तरह इसके घर में भी एक शहीद की बेवा, एक शहीद की मां और एक शहीद का भाई रहता है। पिताजी ने अशफाक भैया की फोटो भी अपने बेटे के साथ लगाई थी और कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान दोनों की जोड़ी की तरह राम भैया और अशफाक भैया की जोड़ी है। बस मैं उसी जोड़ी का सम्मान रखना चाहता हूं। मामा जी आपको जानना था ना कि नीरज भैया के बारे में हमें कैसे पता, तो ये भी जान लीजिए जमील को बिल्कुल नहीं पता कि नीरज भैया हमारे कौन है, लेकिन सिर्फ इंसानियत के खातिर इसने नीरज भैया की मदद की, इसने सद्भावना ट्रस्ट के चक्कर लगाए ताकि नीरज भैया को सर्जरी के पैसे मिल सके। जो हमें आपस में बांटेगा मामा जी उन्हें हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लगता है जैसे जलियांवाला बाग बना देगा, तो क्यों ना करें हम शक उनके नियत पर कि ये कानून भेदभाव के लिए बनाए जा रहे हैं? देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे की भावनाओं को समझो। भावनाएं
भावनाएं यही कहती है कि इस देश के मुसलमानों ने अपनी पूरी उम्र गुजार दी अपनी देश प्रेम साबित करते करते। अब अगर कोई उनसे यहां का नागरिक होने का प्रमाण मांगेगा तो हम खड़े हैं उनके साथ, उनका प्रमाण लिए। हमारे शाम के रैली का टाइम हो रहा है, चलते हैं। चल जमील। और हाँ, शाम की ट्रेन से हमारी बहन आ रही है, हम उसको लेते हुए आएंगे। बहन? तुम्हारी कौन बहन है? अरे मामा जी की बेटी दीक्षा, हमारी बहन ही हुई ना जो अपने पसंद के लड़के के साथ भाग गई थी शादी करने के लिए, 1970 के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस आ रही है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपना लीजिएगा उसे। ये घर वापसी और ऑनर किलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना याद रखिएगा हमारा नाम लक्ष्मण है। हम अपनी बहन की सुरक्षा में हर वो हाथ काट सकते हैं जो उसके ऊपर जुल्म के लिए उठेगा। चलते हैं। लीजिए मामा जी, पानी पी लीजिए। मामा जी, दीक्षा ने जो लड़के से शादी की है। पांडे जी, आप कहां जा रहे हैं? सीए एनआरसी के विरोध में जो रैली हो रहा है वहीं धरना देने जा रहे हैं, उसके बाद हम अपनी बेटी और दामाद को लेने स्टेशन जाएंगे। पिताजी, एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। हम कह रहे थे कि हमें भी रैली में जाने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन बेटा तुम शहीद की विधवा हो, सरहद पर देश के लिए उन्होंने जान दी थी, देश के भीतर होते हुए अन्याय से लड़ते हुए हमें भी जान देनी पड़ी तो। शुभ शुभ बोलो बेटा। चलो हम दोनों मिलके चलते हैं।